बीपीएससी की परीक्षा का डेट बढ़ गया है, ऐसा काफी जगह सुनने में आ रहा है और ये सच भी है कि 30 अप्रैल को जो 67th बीपीएससी की परीक्षा होने वाली थी उसका डेट बढ़ गया है। आपके सामने जो स्क्रीन में एक चिट्ठी दिख रहा है वो संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 बेली रोड पटना से निकला हुआ है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, ये अपने डिप्टी सेक्रेटरी जूनियर को जो विभिन्न क्षेत्रों के देखते हैं, परीक्षा नियंत्रक है परीक्षा शाखा के, उनको बता रहे हैं कि भाई पहले तो हम लोग इस पत्र को पढ़ें तो समझ में ही आएगा कि हम लोग तो सामान्यतः जो परीक्षा की तिथि निर्धारित करते हैं वो केंद्र सरकार से भी पूछते हैं, डीएम से भी पूछते हैं, फिर जाके निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हो गई हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो है वो 30 अप्रैल को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दिया है। चलिए अब आगे से आप ध्यान रखेंगे कि भाई आप कोई भी डेट निर्धारित करने से पहले डीएम से जो है आप पता कर लीजिएगा, अपने डिप्टी सेक्रेटरी को बोल लें, और उसके बाद जो है सो आप मुझे सूचित कीजिएगा ताकि उसके आधार से हम केंद्र से डेट लें। तो कहने का आशय ये है कि जो परीक्षा 30 तारीख को होने वाली थी वो थोड़ा बढ़ गया है, जो थोड़ा बढ़ गया है वो थोड़ा के कारण आप शिथिल मत होइएगा, डोंट प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, क्योंकि जो समय मिला है हो सकता है कि वीकडे में परीक्षा हो जाए, जरूरी नहीं संडे को, जो समय मिला है उसी समय का सदुपयोग कीजिए। आप 5 नंबर भी अगर बढ़ा लेते हैं तो आप कटअप से ऊपर चले जाते हैं, यही जो बच्चे इस समय सोच लेंगे शिथिल हो जाएंगे, उनका ही वो 98 to 102 का फॉर्मूला जो मैं बताता हूँ कि 98 पे ज़्यादा रहते हैं, 102 पे ज़्यादा रहते हैं अगर 100 पे सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे हैं जो 110 पे जाते हैं, तो आप उसके ऊपर वाले में रहिए, 5 नंबर बढ़ाइए। धन्यवाद।